हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ का जो है इंग्लिश का एक सेट जारी कर रहे हैं, जिसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि आई प्ले क्रिकेट, और इसमें से चुनना है चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। दूसरा है व्हाई डू यू टेल ए लाई, इसका भी पैसिव बनाना है तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, व्हाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। उसके बाद आ जाइए तीसरा नंबर है ही हैड रिटन ए लेटर, इसका पैसिव बनाना है तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर हो जाएगा। अगला है आई नो यू चूज द बेस्ट पैसिव, इसका हो जाएगा यू आर नो टू मी। उसके बाद है ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाई अस, इसका एक्टिव करना है इसका हो जाएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि चार। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर छः है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई करेक्ट जो है इसमें कौन हो भराएगा, तो इसमें भरा जाएगा रीच्ड, आई रीच्ड द स्टेशन, सी बाज खाली स्थान बाय ए स्नैक, इसमें जो है बी टेन। उसके बाद आठ नंबर में आई खाली स्थान हेयर सिंस मॉर्निंग, तो इसमें भाई हैव बीन बेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। यूजलेस सी रीड्स सी विल नॉट पास, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वर्ड्स कैन फ्लाई बट काउज कांट, इट विल रेन टू नाइट। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर तेरह में है यू आउट टू योर ड्यूटी, सी मस्ट डू दिस वर्क, एक जरूरी वर्क चुनना है। उसके बाद है ही बाज टॉकिंग मिल वेन द फोन रैंग। उसके बाद है यू स्टैंड ऑन योर हेड, यू स्टैंड यानी कैन यू हो जाएगा कैन यू। उसके बाद है आपका है कि रन फास्ट यू विल बी लेट, तो रन फास्ट इल्स यू विल लेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, सुमित इज गोइंग टू बेंगलोर, ही विल स्टडी देयर, हो जाएगा सुमित इज गोइंग टू बेंगलोर टू स्टडी। इसका कॉम्बिनेशन इसका जो देखना है कि द हाउस कॉट फायर ऑल द फर्नीचर वाज बर्नड, इसका सुटेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा दो नंबर, द हाउस हैविंग काउट फायर ऑल द फर्नीचर वाज बर्नड। ही अब्सेंस फ्रॉम वाइन, इसका निगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट टेक वाइन, बी नंबर। आई सॉ द रेड फोर्ट, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, एक नंबर। एवरी वुड रन फ्रॉम ए लाइन, सुटेबल निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो
क्या जाएगा, हु वुड नॉट फ्रॉम रन फ्रॉम ए लायन। उसके बाद आ जाइए 23, 23 में है कि सेल सेल आई वर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। सो टेबल सेंटेंस नेगेटिव में देना है, तो इसका हो जाएगा कितना नंबर, 3 नंबर। आई सेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डे। कोमल बाज लुकिंग एट हो जाएगा, लुकिंग एट द न्यू ड्रेस। माई हाउस इज एक्रॉस, हाँ एक्रॉस हो जाएगा, एक्रॉस द रिवर। आई लिव प्रीपोजिशन है, आई लिव इन। ही विल कम बाय 7 o'clock। ही इम्पेयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट कौन है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 7। ठीक, चूज द करेक्ट, इसका करेक्ट हो जाएगा आपको आई हैव ए कैट एंड द कैट इज ब्लैक। तो इसका जो है आपका आई हैव होमवर्क टू डू, टू आई हैव होमवर्क, आई हैव होमवर्क, थोड़ा गलती है इसमें, ये हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर। उसके बाद आ जाइए 32, इसका हो जाएगा आपको बी नंबर। सी लिव्स इन एट अपार्टमेंट। दिस इज आर्टिकल है ना, दिस इज ए हो जाएगा। सी इज द, द हो जाएगा उसका। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट, तो द लगेगा। आई हैव ए 1 rupee। कॉपर इज ए, सब आर्टिकल आसान है। चूज द स्पेलिंग, इसमें चुनना क्या हो जाएगा, रिमेम्ब्रांस एक नंबर। दूसरा में हो जाएगा प्लास्टिक, तीसरा में हो जाएगा हारमोनी, अगला हो जाएगा कौन, मोस्टिच, फिर हो जाएगा हेरिटेज, माइस स्कीजर्स, स्कीजर्स आर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा द ज्यूरी बेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज, दिस बुक हैज कॉस्ट मी 2 rupees। द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर इज इन द स्कूल। हरी अप ही सेड टू हिज सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप। उसके बाद हो जाएगा मोहन सेड टू गीता, यू कैन रेफर टू एन एक्विवेलेंट एक नंबर। मोहन टोल्ड गीता, कॉल्ड रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया। 50 के रवि सेड टू पूजा आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इन 5 minutes। कहा जाएगा सी नंबर, रवि टोल्ड पूजा दैट ही कुड सोल्व दैट क्वेश्चन इन 5 minutes। ये कॉमन है, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ मिल्क,
ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक नंबर, सेड माई मदर। उसके बाद आ जाइए 52 नंबर है, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट दे हैड फेल्ड टू स्कोर ए गोल, एक नंबर, द प्लेयर सेड एलास फेल्ड टू स्कोर ए गोल। ही रिक्वेस्टेड मी टू चेक माई सीट नंबर, चार नंबर हो जाएगा। ही सेज प्लीज चेक योर सीट नंबर। ही हर्ट योर सेल्फ। दे बेयर मेकिंग बाज स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। द स्पिरिचुअल लीडर कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से ठीक है, पढ़ लीजिएगा मत। उसके बाद यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन हो जाएगा रन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। इंडिया कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ बाज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। 61 नंबर में क्या है भाई? ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मार्टिन ए मनोहर मालगोनकर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक कास्ट। हु गोट नोबेल प्राइज इन लीडरशिप इन 1950। अचीवमेंट्स, हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। तो अचीवमेंट्स हो ये गले। उसके बाद है द क्यूरी डीलर सोल द ग्राउंड टू ए वेल्दर द गॉड टू वेल्दी कलेक्शन फॉर ये 600। जर्मन ग्रीर इज एन ऑस्ट्रेलियन। सिवाय वाज ए क्या 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। 68 नंबर में हो जाएगा, ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। मिस श्रेयस हैज सी वुड राइट ऑन मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कहाँ चल गया? इसका हो जाएगा आपको कम्यूनिकेशन। उसके बाद आ जाइए, थोड़ा मिस्टेकिंग हो रहा। प्रोप्रिएटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज पर्सनल इंटरेस्ट। बेंजाइज पेरेंट्स आर नोन एज जॉनसन। बेंजाय वाज द सन ऑफ जॉनसन्स। इंडिया थ्रोच ए ट्रेवल्स आईज इज रिटन बाय पियर्स एस बक। द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स। नाटालिया इज द डॉटर ऑफ चोवाको। एंटोन चेको बिगेन हिज करियर बाय रिटन ड्रामा। 77 में आई है भाई साहब, 77 में है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज वाइफ
वाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी हु टीयर्स आर लाइक रेन हिज वाइफ्स लिप्स और ग्रास वाज पब्लिशेड इन 1855 वाट विटमैन बिलोंग टू द USA नाउ द लिप्स आर फॉलिंग इज रिटन बाय W.H. Auden ऑटोमैन इज ए सीजन ऑफ फ्रूटलेनेस टू ऑटोमैन इज रिटन बाय जॉन किट्स हाउ इवर रेयर रेयर इट बी इज फ्रॉम एन एफिताफ वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम एन एपिताफ द शोल्डर इज रिटन द शोल्डर इज रिटन बाय W.H. Auden द शोल्डर बिलोंग टू कहाँ से इंग्लैंड हिज बोरो इज डीपली लाइंड विथ थ्रॉच इज फ्रॉम मर्सिविटी द मिस्टिक कैट मर्सिविटी द मिस्टिक कैट इज रिटन बाय T.S. Eliot स्वीटर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस केकी एन दारूबाला एन कंसीड हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्रीमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस बाज 1000 miles अवे उसके बाद है आई न्यू हाउ पॉरल्टी हाउ बल्गर वाट ए मीन्स एक्ट इज फ्रॉम स्नेक द पोएट हैड गोन टू द वाटर थ्रोच टू ड्रिंक द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आर रिटन बाय कमलादास कमलादास इज एन इंडियन पोएट्स द एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश विच लैंग्वेज फंक्शन एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया इंग्लिश वाट इज द प्रिपेयर्ड ऑफ द मिडल इंग्लिश प्रिपेयर्ड इन द ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश 1150 से 1500 विच प्रिपेयर्ड नोज एज द चाइल्ड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश प्रिपेयर्ड द नेम ऑफ अगस्टन बाज गिवेन टू ईयरली 11th century इस तरह से आपका 100 question हो चुका है इंग्लिश का थोड़ा हार्ड है इंग्लिश थोड़ा बहुत कम से कम ऑप्शन सहित भी देख लीजिए कुछ न कुछ तो फ़ायदा ज़रूर करेगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है VVI है और किसी प्रकार का कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।